पिराना हाउस में फेस्ट के दौरान कुछ उपद्रव हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, कुछ लड़कियां हैं, क्या हुआ था उस दिन? काफी भीड़ थी बाहर के साइड एंड इवन वो भी चल रहा था, लाइक जय जगदीश हरे गा रहे थे बाहर। जय जगदीश हरे गा रहे थे, वो क्या क्यों? आई गेस क्योंकि एंट्री बहुत ज्यादा क्राउड हो गया था एंड ऑर्गेनाइज मतलब वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं चल रहे थे, लाइक एंट्री कार्ड की थ्री होनी थी बट वो नहीं चल रहे थे एंड इसकी वजह से काफी डिसऑर्गेनाइज हो गया एंड उसको मैनेज करने के लिए थोड़ी देर के लिए एंट्री रोक दी गई थी। एंड इवन जब वो अंदर भी आए थे तो काफी एकदम बहुत क्राउड वाला एंड बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी टाइप में कि हाँ हमने बहुत कुछ बड़ा अचीवमेंट मतलब अचीव कर लिया। तो क्या लगा क्या कि थोड़ा सा कि वहां पर सेफ्टी कंसर्न है? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट आई फेल्ट लाइक इट वाज नॉट माय कॉलेज एट ऑल बिकॉज यू नो आई कैन सी द क्राउड, इट वाज अप्रोचिंग लाइक एप शिट, एवरीथिंग वेंट एप शिट लिटरली। सो देन हम लोग खुद इट टुक अस अ मोमेंट टू डाइजेस्ट कि हो क्या रहा है, आर वी सपोज टू बी चेयरफुल अबाउट इट या फिर वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट इट, एंड देन व्हेन वी गॉट बैक होम एंड देन वी रियलाइज कि इट डिड नॉट गो एज इट वाज प्लान्ड ना, तो देन वी रियलाइज कितनी भीड़ थी, बहुत ज्यादा थी, लाइक यू नो वी वर स्टैंडिंग एट द फेंस एंड वी वर लुकिंग कि लाइक लोग ऐसे आ रहे हैं, यू नो लाइक इट वाज अ सीन कि वैंडलाइजिंग हो रहा है, इस तरीके का कुछ सीन लग रहा था। एंड इवन लुक मतलब लड़के जो थे क्योंकि ओपन फेस्ट था तो लड़के बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, पता नहीं क्यों क्या रीजन था, एंड बहुत ज्यादा मतलब कूद कूद के आ रहे थे दीवारों से, गेट बंद है गेट चढ़ के आ गए, मतलब कोई कुछ मिसबिहेव भी हुआ ऐसा भी कुछ कंप्लेन? आई हैव हर्ड सो बट आई डिड नॉट लाइक आई डिड नॉट फेल्ट इट माई सेल्फ बट आई हैव हर्ड केसेस, सो आवर प्रेजिडेंट हैज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट कि ऐसे केसेस के बारे में, बट आई डोंट नो अभी तो बात चल रही है GSC इस बारे में बात कर रहे हैं एंड इवन कुछ बच्चों के कॉलेज भी थे जिन्होंने ये कमेंट बोला था लाइक मिरांडा सारा हमारा है, सो दैट इज ये बिलो द बेल्ट। कुछ और भी गर्ल्स हैं, आप लोगों को क्या आपका क्या था उस दिन का एक्सपीरियंस? लाइक थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन में कमी लगी, बाकी एवरीथिंग वाज कूल, बट थोड़ी भीड़ ज्यादा आ गई थी, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने बच्चे आएंगे करके, मोस्टली थोड़ा सा मतलब पासिस वगैरह होने चाहिए थे ताकि लिमिटेड बच्चे आए, बट ओवर ही क्राउडेड हो गया था, वो ओपन हो गया था सबके लिए तो कुछ ज्यादा ही बच्चे आ गए थे, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन का दिक्कत लगा, बाकी सब सही। कंप्लेंट्स अबाउट मोलेस्टेशंस एज वेल, हैव यू हर्ड अबाउट समथिंग लाइक दैट? टू बी ऑनेस्ट लाइक वी आर ग्रुप वी डिडंट फाइंड सो मच, पता नहीं लाइक कहीं और केसेस होंगे, कॉलेज बहुत बड़ा है किसी कोने में हुआ होगा, वी डोंट नो सो मच, बट बाकी ये था कि वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑल्सो, तो मतलब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, मतलब सारे डोर्स बंद हो गए थे, जो अंदर थे वो अंदर ही रह गए, जो बाहर थे वो बाहर ही रह गए, तो थोड़ा सा उस चक्कर में हड़बड़ मच गई थी। डर भी लग रहा था? हाँ डर था कि मतलब लाइक वी वर लॉक्ड इनसाइड, हम बाहर जाने के हमारे अलाउड नहीं था बाहर जाना, तो थोड़ा उसमें दिक्कत हो रही थी। तो ये पूरी घटना है, ये जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पर मिरांडा हाउस की, उन लोगों की कहानी है कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जबरदस्ती कई सारे छात्र खासतौर पर उसमें लड़के थे जो कि अंदर कूद करके आ गए, गेट को जंप किया, बाउंड्री वॉल को क्रॉस किया और उसके बाद अंदर आए और नारेबाजी भी की, इस तरीके की भी नारेबाजी हुई कि मिरांडा हाउस हमारा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसने एक कंसर्न तो किया है, एक चिंता तो बढ़ाई ही है कि क्या वाकई जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित कॉलेज माना जाता है, नॉर्थ कैंपस माना जाता है, और मिरांडा हाउस के चर्चे तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक हैं, क्या वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम थोड़े ढीले थे, लापरवाही हुई, ये चौंकाने वाला पहलू।